क्या अपडेट सर है? जैसे ये सुनने में आ रहा है कि पहचान हो गई, परिवार वाले ये कह रहे हैं, क्या पुलिस के पास अपडेट है? थाना क्षेत्र ऐरोला में 16 तारीख को एक अज्ञात शव महिला का मिला था, जिसके सिर नहीं था और बाकी बॉडी पार्ट्स अलग अलग बरामद हुए थे एक कुएं से। इसमें पुलिस के द्वारा 3 दिन से विवेचना करते हुए, मुकदमा दर्ज करते हुए विवेचना की गई है। कुछ प्रकरण ऐसे सामने आए हैं जिनमें लोगों के द्वारा ये बताया गया है कि उनके घर से कोई महिला या कोई युवती गायब है। पुलिस के द्वारा हुलिया के आधार पर उनके शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक सिर बरामद नहीं हुआ है, जैसे ही सिर बरामद होगा तो कंफर्म शिनाख्त हो जाएगी ये किसकी डेड बॉडी थी और पुलिस के द्वारा घटना का अनावरण किया जाएगा। क्योंकि 72 घंटे तक डेड बॉडी को रखना होता है, जब शिनाख्त नहीं होती है तो कल 72 घंटे पूर्ण होने पर बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया है और उसको नियमानुसार अंतिम संस्कार कराया गया है। आगे की विवेचना पुलिस की एक संयुक्त टीम के द्वारा की जा रही है। अन्य जनपदों में भी पुलिस के द्वारा पत्र भेजा गया है कि इस हुलिया के अगर कोई व्यक्ति हैं जो गायब है उनके संबंध में पुलिस को सूचित करें। कुछ इनपुट्स पुलिस के पास आए हैं, उन्हीं के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे ही ये क्लियर हो जाएगा कि डेड बॉडी किसकी थी और क्या घटना थी, इस पूरी घटना का अनावरण करते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए आप सभी को अवगत कराया जाएगा। सर, जैसे कड़े से पहचान बताई जा रही थी, कुछ अभी इस कड़े से पहचान? वो हुलिया के आधार पर है, क्योंकि जो बॉडी पार्ट्स के ऊपर कुछ चीजें मिली हैं उनसे हम लोग प्रयास कर रहे हैं शिनाख्त करने का, लेकिन वो शिनाख्त कन्फर्म तभी हो पाएगी जब हमें बॉडी का सिर मिल जाएगा। तो ये एक साइंटिफिक तरीके से विवेचना को आगे करते हुए शिनाख्त की कार्रवाई पूर्ण करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोगों से हिरासत में लिया गया सर, पूछताछ? हाँ, इसमें 4 लोग ऐसे हैं जिनको संदेह के आधार पर जो उस एरिया में घूमते हुए मिले हैं उनसे पूछताछ की गई है। कुछ लोगों को पूछताछ करके छोड़ा गया है, कुछ लोगों से वर्तमान पूछताछ जारी है। जैसे ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको।